गलती पर गलती करती रही बाबर की टीम, पहले गेंदबाजी फिर बल्लेबाजी में डुबो दी लुटिया, सेमीफाइनल की राह हुई मुश्किल। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने तोड़ दिया पाकिस्तानी गेंदबाजों का घमंड, शुरुआत में विकेट के लिए तरसते रहे हारिश और शाहीन। फिर खुली पाकिस्तान की पोल, बड़े बड़े कैच छोड़कर खो दिया मैच, आग बबूला हुए शोएब अख्तर, गुस्से में कह दी ये बड़ी बात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक महामुकाबला खेला गया, मुकाबला बेहद खास रहा, चूंकि ये मुकाबला बंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में था, सबको उम्मीद थी कि एक बड़ा टोटल बनेगा और उसे भी चेस किया जा सकता है, ऐसी पिच है और हुआ भी कुछ उस तरह से, पाकिस्तान के बल्लेबाज थोड़ा फेल हो गए वरना ये लक्ष्य भी भेदा जा सकता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और आपको बता दें कि पहले 367 रन बना दिए, यानी पाकिस्तान के सामने 368 रनों का एक विशालकाय लक्ष्य था और ये लक्ष्य आसान नहीं था, चूंकि मिचेल मार्श ने शतक लगाया, उसके बाद डेविड वार्नर भी 150 से ज्यादा रन बना दिए। इस दरमियान कई सारे रिकॉर्ड भी बने हैं, आपको बता दें कि ये पाकिस्तान पर कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत है और आपको बता दें इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारी भी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ साल 2019 के बाद से 4 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 4 मैचों में शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले ये कारनामा विराट कोहली कर चुके हैं, विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 शतक लगाए थे। तो चलिए जान लेते हैं कैसे पाकिस्तान के हाथ से छूट गए ये महामुकाबला। 368 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत की, इमामुल हक ने और अब्दुल्ला शफीक ने शतकी साझेदारी की, शफीक 64 रन और इमाम 70 रन बनाए। इसके बाद कोई बल्लेबाज 50 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाया, बाबर ने 18 रन, रिजवान ने 46 और शकील 30 और इफ्तिकार खान ने 26 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जंपा ने लिए, कमिंस और स्टॉइनिस को 2-2 विकेट मिले। तो ये था पाकिस्तान की बल्लेबाजी का हाल, अब जान लेते हैं पर कैसी रही ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, जिसके दम पर बना 367 रनों का एक विशाल का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 368 रनों का लक्ष्य दिया, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 163 और मिचेल मार्श ने 121 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका, मार्श 21, जोस इंग्लिस 13 का योगदान दिया, मानस लबुशेन और स्टीव स्मिथ 8 और 7 रन बनाकर आउट हुए, पैट कमिंस ने 6 और मिचेल स्टार्क ने 2 रन बनाए, ग्लेन मैक्सवेल और जोस जलवुड खाता नहीं खोल पाए, एडम जंपा ने नाबाद 1 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, हारिश रऊफ को 3 सफलता मिली, वहीं उस्मा मीर ने 1 विकेट अपने नाम किया। तो कुछ इस तरह से रहा पहली पारी का हाल, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें पॉइंट टेबल की तो पॉइंट टेबल से पाकिस्तान की टीम अब बाहर हो चुकी है। पॉइंट टेबल में इस वक्त सुपर 4 में इंडिया, न्यूजीलैंड और इसके अलावा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। अब उम्मीद करिए आने वाले वक्त पर ही मुकाबले और भी रोमांचक होते रहे। तो फिलहाल आप किसे मानते हैं पाकिस्तान के हार का जिम्मेदार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।